एनवायरमेंटल सोशोलॉजी टॉपिक थर्टी थ्री नाइन डिस्टिंक्ट कम्पीटिंग पैराडाइम्स, ह्यूमन इकोलॉजी पॉलिटिकल इकोनोमी सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्रिटिकल रियलिज्म इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन रिस्क सोसाइटी थ्योरी, एनवायरमेंटल जस्टिस एक्टर नेटवर्क थ्योरी एंड पॉलिटिकल इकोलॉजी ये नाइन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्गली इंटरलिंक्ड हैं म्यूचुअली इंटरलिंक्ड हैं और एक्सप्लेन करते हैं सर्टन सोशोलॉजिकल फिनमोनाज को सोशोलॉजिकल इश्यूज को स्पेशली इन द टर्म ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ह्यूमन इकोलॉजी क्या है ह्यूमन इकोलॉजीज में मैनज कलेक्ट इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट

उसको ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बीइंग है ह्यूमन बीइंग का जो इंटरेक्शन है विद एन्वायरमेंट सोशल साइंटिस्ट ने ह्यूमन ग्रुप्स में जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसकी जो स्टडी है दैट इज ह्यूमन इकोलॉजी पॉलिटिकल इकोनॉमी टू कंपीटिंग थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव विद इन दिस ट्रेडिशन आर इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन Ecological modernization says that modern the political economy hai, in terms of the political structure of the society, the ruling class, the politicians, the decision makers, the policy makers, they used to play a role in terms of even developing the environmental policies. They are the decision makers. They are being influenced, they are being awaited sometime and they form the policies. So two side sort of policies are there first is the ecological modernization in ecological modernization with the modern industrialization and the ecological concerns as well these debates are focused to the green technologies green industries debates of climate change how to address the environmental issues and problems sustainable development sustainability in the society. Same in the treadmill of production. In production manners, the green productions, the production matters, which are more environmental friendly. When once this all is happening, then definitely it's leading toward the environmental protection. In terms of political in eco economy, two relevances are with the environment. First one is the ecological modernization theory, and the second one is the treadmill of production. Ecological modernist theory argue bringing a generation of industrial innovation, have new technologies, innovative business persons. K Nai technologies ko adopt karke, industrial development bhi, societal development and sustain bhi karna, society. Ko. Jo, trade mill production theory struggle that capitalist economies behave like a treadmill as economic development increase. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करने पे फोकस होता है लेकिन जो डिग्रेडेशन है उस पर नहीं होता सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ऑन द ऑब्जेक्ट्स दैट्स आर क्रिएटेड थ्रू द सोशल इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप सोशल इंटरेक्शन से जो अंडरस्टैंडिंग बनती है जो कॉमन सेंस बनती है जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है क्रिटिकल रियलिज्म प्रोवाइड प्रिंसिपल्स दैट कैन बी अप्लाइड बाई रिसर्चर्स डेवलपिंग थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट फिनमुना इन द वर्ल्ड ये प्रिंसिपल प्रोवाइड द प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड बाई रिसर्चर के जो क्रिटिकली चीजों को एक्सप्लेन करें और अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें डिफरेंट फिनमोनाज जो एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन सोसाइटी के अंदर इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन स्पेसिफिकली आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक डेवेलपमेंट एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस कैन बी रिकनसाइल्ड टू फॉर्म अ न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की जब डेवलपमेंट के साथ उसकी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी अंडरस्टैंड किया जाएगा या उस पर फोकस किया जाएगा तो डेवलपमेंट का एक नया पैराडाइम जो है वो इमर्ज हो सकता है जो ज्यादा सस्टेनेबल सोसाइटीज की तरफ लेके जाए रिस्क सोसाइटी थ्योरी रिस्क सोसाइटी एज ए सोसायटी इंक्रीजिंगली वरीड विद द फ्यूचर विच जनरेट द नोशन ऑफ रिस्क रिस्क सोसाइटी वो होती है कि जिसमें हर टाइम उसके फ्यूचर के लिए डिबेट्स हैं और फ्यूचर की जो डिबेट है दैट आर कनेक्टेड विद द रिस्क फ्यूचर रिस्क को ज्यादा अलबोरेट किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है कि फ्यूचर में इस इस तरह के सोसाइटी को रिस्क हो तो सकते हैं इन्वायमेंटल जस्टिस है कि जो लोग मैक्सिमम इन्वायरमेंट को अब्यूज करते हैं खराब करते हैं डिग्रेड करते हैं लेकिन जो इसका विक्टम बनते हैं जिनकी तरफ मैक्सिमम हार्म जाता है वो पुअर क्लास होती है और इसी तरह जो स्ट्रांगर नेशन हैं जो डेवलप्ड नेशन हैं वो मैक्सिमम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं लेकिन उनका मिनिमम लॉस होता है और लॉस इज मैक्सिमम गोइंग टू द पुअर नेशन इसी तरह इंडिविजुअल्स में जिन इंडिविजुअल्स का ज्यादा रिसोर्स पे कंट्रोल है जो रिचर हैं सोसाइटी में वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं एनवायरमेंट को एक्सप्लाइट करते हैं लेकिन जो उसका विक्टिम बनते हैं जो हार्मफुलनेस है वो जाती है हार्मफुलनेस जाती है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ तो एनवायरमेंटल जस्टिस की डिबेट्स कहती हैं, इन दिस रेफरेंस इन दिस टर्म एनवायरमेंटल जस्टिस जरूर होना चाहिए सोसाइटी के अंदर एक्टर नेटवर्क थ्योरी एक्टर नेटवर्क थ्योरी इज अ थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू सोशल थ्यूरी वेर एवरीथिंग इन द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड एग्जिस्ट इन in शिफ्टिंग नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इट्स जस्ट दैट नथिंग एग्जिस्ट exists outside those रिलेशनशिप कहते हैं कि ये थ्यूरी कहती है कि सोसाइटी में हर चीज एक, एक एक्टर की तरह अपना रोल प्ले कर रही है वो ह्यूमन बीइंग हैं, या नेचुरल इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज हैं, ये सभी एक सिस्टम के एक्टर हैं। जब ये म्यूचुअली एक्टर एक दूसरे के साथ इंटरक्शन से पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करते हैं और रोल प्ले करते हैं तो फिर सोसाइटी सस्टेन करती है उसमें फिर मिनिमम चांसेस हैं सोसाइटी के सोसाइटी में डिजास्टर के जब ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है पॉलिटिकल इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स विद एन्वायरमेंट इश्यूज एंड चेंज इन एवरी सोसाइटी देयर इज ए पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो डिसीजन मेकिंग करता है और जो रोल प्ले करता है कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन में जिसका लीडिंग रोल है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का जो रोल होता है इकोनॉमिक मैटर्स का एन्वायरमेंट के साथ किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं कितना इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का हाउ टू फॉर्म द एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम सोशल फैक्टर्स इंक्लूड सोशल द कल्चरल साइड द ह्यूमन एटीट्यूड्स ह्यूमन बिहेवियर जैसे था वो कैसे रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंटल चेंज में